हेलो, आज का सब्जेक्ट है हमारा बेसिक माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट नॉलेज। इसमें हम बात करने वाले हैं माउंटेन में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन इक्विपमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला इक्विपमेंट है रोप, इसे माउंटेनियर की लाइफलाइन भी कहा जाता है। और यह रोप टू टाइप्स की होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो नेचुरल रोप एंड आर्टिफिशियल रोप। नेचुरल रोप जो नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती हैं, एंड आर्टिफिशियल रोप जो कि केमिकल से बनाई जाती हैं और इन्हें मशीनों में वेबिंग करके बनाया जाता है। नेचुरल रोप की बात करें तो इसमें कॉटन रोप, जूट रोप, मनीला रोप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉटन रोप जो कि कपास के प्लांट से लेकर बनाई जाती है और इन्हें आपस में ट्विस्ट करके बनाया जाता है। जूट रोप, मनीला रोप जो कि नेचुरल रोप से। आगे बढ़ते हैं आर्टिफिशियल रोप। आर्टिफिशियल रोप में कर्नामेंटल रोप आती है और कर्नामेंटल रोप टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक रोप एंड डायनेमिक रोप। कर्नामेंटल रोप होती कैसी है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कर्नामेंटल रोप आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक रोप का जो आगे वाला भाग है, इसके जो आउटर पार्ट है, जो कटा हुआ भाग है, इसकी जो इसको बोलते हैं इसका कवर, जिसको बोलते हैं मेंटल, एंड जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको कॉन बोलते हैं, जो कि नायलॉन के महीन रेशों से बनाया जाता है ट्विस्ट करके, इसलिए इसे कर्नामेंटल रोप कहा जाता है। तो कर्नामेंटल में जो रोप आती है स्टैटिक रोप, स्टैटिक रोप आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका यूज रैपलिंग एंड फ्लाइंग फॉक्स के लिए किया जाता है। डायमीटर इसका 6 mm से 12 mm तक का होता है। स्ट्रेचबिलिटी इसमें 5% होती है और इसकी वेट कैपेसिटी होती है 2000 kg यानी कि 20 kN। ये रही डायनेमिक रोप। डायनेमिक रोप का यूज क्लाइंबिंग एंड ब्लेइंग के लिए किया जाता है। जब भी हम किसी को ब्ले करते हैं, क्लाइंबिंग करते वक्त इसका यूज किया जाता है। और यह है इसकी स्टैंडर्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो 45 meter 200 meter इसकी स्टैंडर्ड लेंथ होती है। स्ट्रेचबिलिटी की अगर बात करें तो स्टैटिक रोप से 25% टू 30% कई ज़्यादा होती है। डायमीटर इनका सेम है एंड वेट कैपेसिटी भी इनकी सेम है। अगला इक्विपमेंट कैरावानर यानी कि सेफ्टी लॉक। इसका यूज भी माउंटेनियरिंग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में किया जाता है, रैपलिंग, क्लाइंबिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ में। तो कैरावेनर्स के टाइप्स की अगर हम बात करें तो इसमें टू टाइप्स के कैरावेनर होते हैं, लॉकिंग कैरावेनर एंड प्लेन कैरावेनर। लॉकिंग कैरावेनर वो कैरावेनर है जिनमें लॉकिंग सिस्टम दिया जाता है और प्लेन कैरावेनर जिनमें लॉकिंग सिस्टम नहीं दिया जाता। लॉकिंग कैरावेनर में स्क्रू टाइप कैरावेनर एंड ऑटोलॉक कैरावेनर होते हैं। स्क्रू टाइप कैरावेनर में एल्युमिनियम अलॉय स्क्रू कैरावेनर एंड स्टील स्क्रू कैरावेनर आते हैं। एल्युमिनियम अलॉय जो कैरावेनर होते हैं वो स्टील से काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं। ऑटोलॉक कैरावेनर यानी कि एक बार खोलने के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। आगे देखते हैं स्क्रू कैरावेनर। स्क्रू कैरावेनर स्टील कैरावेनर एंड एल्युमिनियम पड़े होते हैं और इसको इंटरनेशनल कंपनी द्वारा पास किया जाता है, इसका टेस्ट लिया जाता है जो कि है UIAA। UIAA का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड इंटरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन। तो आगे बात करते हैं इसकी वेट कैपेसिटी की। तो यह 23 kN वेट कैरी कर सकती है यानी कि 2300 kg। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑटोलॉक कैरावेनर। ऑटोलॉक कैरावेनर जो मैंने आपको बताया था वेट कैपेसिटी भी इसकी सेम रहती है, या एक बार खोलने के बाद अपने आप लॉक हो जाता है। जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट रहती है रोप में वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। प्लेन कैरावेनर का यूज बेस मेकिंग के लिए किया जाता है, जहाँ पर हमें बेस कोई बेस तैयार करना फिक्स्ड बेस पे फिक्स्ड बेस वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। कैरावेनर के पार्ट्स आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग पार्ट्स इसमें दिया गया है, आप देख सकते हैं। रिवेट पिन, लॉकिंग स्लीप, नोज, गेट, स्पैन, इसके अलग अलग फ्रेम देख सकते हैं आप इसमें। तो ये रहे इसके पार्ट्स।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले इक्विपमेंट पुली की। पुली एक ब्लेड डिवाइस है जो फिक्सिंग को रिड्यूस करती है और स्पीड को बढ़ाती है। तो इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हम थ्री टाइप्स की पुली की बात करेंगे, टैंडम पुली, डबल पुली एंड सिंगल पुली। तो देखते हैं ये होती कैसे है। तो ये रही दोस्तों, इसमें 24 kN यानी कि इसकी जो वेट कैपेसिटी होती है वो हर एक इक्विपमेंट में मेंशन की हुई होती है, और इसका जो वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। और रोप कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें तो 12 mm की रोप हम इस स्टैंडर्ड पुली में यूज कर सकते हैं। एंड इसका यूज TT यानी कि टर्निंग ट्रेवल्स एंड सैंडबॉक्स एडवेंचर एक्टिविटीज में किया जाता है। डबल पुली आप देख सकते हैं, एंड सिंगल पुली कुछ इस तरीके से होती है। ये रहा माउंटेनियरिंग हेलमेट। माउंटेनियरिंग हेलमेट बाकी हेलमेटों से काफ़ी अलग डिजाइन के बने होते हैं, और इनको फाइबर ग्लास से बनाया जाता है। और यह माउंटेनियरिंग में यूज किए जाते हैं जब भी क्लाइंबिंग करते वक्त या फिर रैपलिंग करते वक्त इनका यूज किया जाता है, ताकि यह शार्प एजेस से और स्मॉल स्टोन से हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है। यह पैड जल एंड ममूल रॉक एम्पायर पैड जल अलग अलग एडल्ट अलग अलग कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं, और सभी गियर जो रोप है कैरावेनर्स हैं ये इन कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। अगला इक्विपमेंट हार्नेस। हार्नेस थ्री टाइप्स की होती है, सीट हार्नेस, चेस्ट हार्नेस, फुल बॉडी एंड कंबाइंड हार्नेस। तो आगे देखते हैं सीट हार्नेस। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसको पहनने के बाद सिटिंग पोजिशन बन जाती है। इसका यूज क्लाइंबिंग एंड रैपलिंग के लिए किया जाता है। इसकी वेट कैपेसिटी 100 kg to 200 kg होती है। इसमें थाई के लिए और वेस्ट के लिए अलग अलग रूप्स दिए होते हैं। और इसका जो सामने वाला पार्ट आपको दिख रहा है हाइट वाला, तो ये एंकर के लिए कैरावेनर के लिए होता है, एंकर करने के लिए, तो इसको एंकर लोग भी कहते हैं। चेस्ट हार्नेस का यूज ओवरहैंग क्लाइंबिंग में किया जाता है, इसमें थाई के लिए, वेस्ट के लिए एंड शोल्डर्स के लिए, तीनों के लिए इसमें लूप दिए गए हैं। अगला इक्विपमेंट मिटन्स। मिटन्स जो कि कैनवास से लेदर से बनाए जाते हैं। इसका जो अंदर वाला पार्ट वाइट वाला पार्ट है ये लेदर से बना हुआ है, और यह अब हमारे हाथों को बर्न होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि नायलॉन की जो रोप होती है वो काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है जब उन पर वेट आता है। तो प्ले के टाइम और रैपलिंग के टाइम में इसका यूज किया जाता है। डिसेंडर यानी कि जब भी किसी माउंटेन स्लोप से नीचे उतारना हो या नीचे उतारना हो तो वहाँ पर डिसेंडर का यूज किया जाता है। डिसेंडर के अगर वेट की बात करें तो इसका वेट 80 ग्राम का है, और ये एल्युमिनियम अलॉय का होता है। यूज प्ले एंड रैपलिंग में वेट कैपेसिटी अगर बात करें तो यह असेंडर है। असेंडर को चुमार भी बोला जाता है, और इसका यूज असेंडिंग के लिए या फिक्स्ड रूप में चढ़ने के लिए किया जाता है। इसका वेट 180 ग्राम टू 250 ग्राम वेट होता है। वेट कैपेसिटी की अगर बात करें तो वेट कैपेसिटी इसकी 3000 kg होती है, यानी कि 30 kN हम बोल सकते हैं। और 30 kN का मतलब है 30 kN, यानी कि 1 kN में लगभग 100 kg वेट होता है। इस इक्विपमेंट की अगर बात करें, क्विक ड्रॉ बोला जाता है इस इक्विपमेंट का नाम। इसमें टेप स्लिंग बीच में जो है, इसमें टेप स्लिंग और इसके दोनों साइड लेड कैरावेनर का यूज किया जाता है, और इसका यूज लेड क्लाइंबिंग में किया जाता है, क्योंकि जो एंकर होते हैं अगर उन पर सिंगल कैरावेनर हो तो मूवमेंट होती है और एंकर के लूज होने के चांस रहते हैं।
इस क्विक ड्रॉ का यूज किया जाता है और डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए भी, डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए भी कई जगह पर इनका यूज किया जाता है। थैंक यू, इतना ही था इस क्लास में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे लगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।